गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेलकम गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स रोज। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा and analysis of data, etc. So now, first of all, what is called data? Data kisko kehte hain? Data is the collection of observations. Observations ka collection ko data kehenge. Jaise maan lijiye, फॉर एग्जाम्पल क्लास टेन स्टूडेंट्स ऑफ DAV पब्लिक स्कूल बरियातु ऑफ 10C। 10C में जितने भी बच्चे हैं, सपोज कीजिए ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल मान लेते हैं 50 स्टूडेंट। तो क्लास टीचर के पास सबका नेम लिखा हुआ है, तो नेम जो लिखा हुआ है, अगर नेम एट रैंडम लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल में नहीं लिखा हुआ है, तो उस तरह का डाटा को हम लोग रॉ डाटा भी बोलते हैं। रॉ डाटा। लेकिन अगर रॉ डाटा है इस तरह का, अब मान लेते हैं नेम्स तो लिखा ही है उसका, अब उसका एडमिशन नंबर सबका अलग अलग होगा, है ना। तो सारा का एडमिशन नंबर का कलेक्शन भी एक तरह का डाटा है। अब अगर एडमिशन नंबर कलेक्शन है, अब तीसरा चीज है कि मान लेते हैं कि लड़का है लड़की है, तो उसका सेक्स अलग अलग है, तो उसका भी कलेक्शन हो गया, तो वो भी आपका डाटा है। तो अगर मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल एक देते हैं कि सपोज कीजिए कि वेट ऑफ टेन पर्संस इन किलोग्राम और केजी। ओके, इन किलोग्राम। तो मान लेते हैं पहला आदमी का वेट 100 kg है, दूसरा आदमी का वेट 90 kg है, तीसरा का भी वेट 90 kg है, फिर उसके बाद फिर 100 kg का कोई आदमी है, फिर मान लेते हैं 60 kg है, फिर मान लेते हैं कि 30 kg है, फिर 60 kg है, फिर 70 kg है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मान लेते हैं फिर 90 kg है, फिर यहाँ पे आपका 70 kg है, तो टोटल 10 हुआ। तो यहाँ पे ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये एट रैंडम है, इसमें कोई अरेंज नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग रॉ डाटा कहेंगे। रॉ डाटा वैसा डाटा को कहते हैं जो कि हम लोग का अरेंज नहीं हुआ है, वो ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं कोई भी न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर में नाम हो गया। न्यूमेरिकल फैक्ट मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है कितना केजी के का आदमी है, तो ये आपका न्यूमेरिकल फैक्ट हो गया। और फिगर में नेम्स वगैरह हो गया, मेल सेक्स ये सब हो गया, वो फिगर्स हो गया। न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें कितना ऑब्जर्वेशन है, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 10 ऑब्जर्वेशन्स है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको डाटा में आ जाए, अगर मान लेते हैं हमको ये कहा जाए कि हम अपने विलेज में
जितने भी आदमी हैं उनमें उनमें हम लोग को ये करना है, सर्वे करना है, और सर्वे करके हम लोग को ये पता करना है कि कितना घर, एक घर में कितना आदमी है जिसका 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है, है ना। तो उसका सर्वे अगर जाके हम लोग करते हैं, जाके करते हैं, ग्रुप बना करके पता करते हैं, तो उससे जो डाटा कलेक्ट होगा वो रॉ डाटा कलेक्ट होगा। अब उसके बाद उसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। जब हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस तरह से डाटा जो बनेगा उसको हम लोग एरे कहते हैं। एरे, एरे का मतलब हो गया कि अरेंज्ड डाटा, अरेंज्ड डाटा। तो व्हेन डाटा इज अरेंज आइदर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, है ना। व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को अगर हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कि एरे कहेंगे उसको। जैसे मान लेते हैं ऊपर में जो रॉ डाटा है, इसमें द वेट ऑफ द 10% इन किलोग्राम, तो इसको हम अरेंज कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं इसमें सबसे मिनिमम 30 है, तो 30 फर्स्ट हो गया। उसके बाद फिर आपका जाकर के 70 है, 70 लिख देते हैं। फिर 70 दो मरतबा है, तो 70 नो, उसके बाद 60 दो मरतबा है, सॉरी, तो 60 एंड देन आपका 70, फिर 70 आपका 60 दो मरतबा कट गया, और 70 दो मरतबा है, 90 फिर है, उसके बाद तीन मरतबा हमने लिया 90 के जी, फिर 90 के जी, देन अगेन 90, तो तीन मरतबा 90 हुआ, और 100 के जी है दो मरतबा, है ना, दो मरतबा 100 के जी है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ पे मिनिमम ऑब्जर्वेशन आपका, देखिए मिनिमम ऑब्जर्वेशन है आपका 30 के जी, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपका है, ये आपका है 100 के जी, ठीक है। तो ये मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, किसी भी डाटा को अरेंज करेंगे न्यूमेरिकल डाटा को, तो उसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन होगा और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगा। रेंज हम लोग कहते हैं, रेंज ऑफ डाटा, इसको देखेंगे, रेंज ऑफ डाटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिख दे रहे हैं, और मिनिमम ऑब्जर्वेशन, तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को हम लोग घटा देंगे, तो उससे हम लोग को रेंज निकल जाएगा। तो कोई भी डाटा का रेंज निकल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग अरेंज किए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज किए हैं, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, उससे भी आपको ये मिल जाएगा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो अब यहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करते हैं व्हाट इज द, हाउ टू रिप्रेजेंट द डाटा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड how many number of times कोई ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट किया गया है, है ना, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 30 का फ्रीक्वेंसी, तो 30 जो है इसका फ्रीक्वेंसी आपका होगा, तो 30 एक ही मरतबा रिपीट है इसमें, तो 30 का फ्रीक्वेंसी 1 है। 60 दो मरतबा रिपीट किया है, उसका फ्रीक्वेंसी 2 है। और उसके बाद 70 भी दो मरतबा रिपीट है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। 90 आपका 3 मरतबा रिपीट किया गया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 है। और 100 जो है दो मरतबा रिपीट किया गया है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वर्ड ऐसे होता है सिग्मा। सिग्मा इसका मीनिंग होता है सम, सम है ना, एडिशन। तो सिग्मा हम एफ लिखते हैं, यानी सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, तो 1 और 2, 3 और 5, और यहाँ पे भी 3 और 5, 10 हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे टोटल गिनिएगा तो 10 ही ऑब्जर्वेशन है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा सेम होना चाहिए। जितना ऑब्जर्वेशन है, अगर आप फ्रीक्वेंसी में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक्स है ऑब्जर्वेशन, और रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट किए, है ना, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पर एक्स के जगह में है आपका 30, ये फिर 60, फिर 70, फिर 90 एंड देन 100, और यहाँ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 1, फिर 2, 2, 3, 2। तो ये एक तरह का टेबल बन गया, है ना, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह के टेबल को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखे होंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टैली मार्क्स भी होता है। तो टैली मार्क्स में हम लोग का टैली मार्क जो हम लोग देंगे, तो उसमें 1 के लिए 1 ये करेंगे, और 2 के लिए 2 दो छो डंडा लगाएंगे, और 3 के लिए 3 देंगे, और 4 है अगर तो 4 छो डंडा लगा देंगे, और ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करके हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें आपका टैली मार्क्स वगैरह कैसे, हाउ टू ड्रॉ दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा। अब जैसे मान लेते हैं हम एक डाटा लिख रहे हैं, सपोज कीजिए द क्वेश्चन इज आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, जस्ट बोलिएगा यहाँ पर से, है ना, ये सब बोलिएगा, है ना, गिवन क्वेश्चन नंबर वर्कशीट इज फ्रॉम द डीएवी बुक, डीएवी मैथ बुक वर्कशीट 1 एंड क्वेश्चन नंबर आई एम टेकिंग 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो पढ़िए। गिवन below are the ages of 30 student of class 8 in a school. तो यहाँ पे 30 student का दिया हुआ है, तो इसमें आपका एक था, रुकिए एक मिनट, एक टेबल बना लेता है। हाँ बोलिए, पहला कितना है? 13 है, 14, फिर 14, 12, फिर 12 है, 15, फिर 15 है, 15 है, 14, 13, 14, 14, 14, 15, फिर 15, 13, 14, 14, 14, 14, 12, 14, 14, 13, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 13,
13, 12, 12, 13, 12, then again, 13, then 13, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 14, 14, that's all. हम लोग काउंट कर लेते हैं यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है गिवन हाँ 30 स्टूडेंट्स हैं उसका क्या है एजेस तो दीज आर द एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट है ना क्लास एट में 30 स्टूडेंट है एंड वी हैव टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप देखिए यहाँ पे सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है ना लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है ना देखिए 13 एंड देन 14 एंड देन 12 फिर 15 देन अगेन 15 13 फिर 12 है 12 12 12 12 है तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है मिनिमम ऑब्जर्वेशन एम आई एन मिनिमम ऑब्जर्वेशन 12 एंड देन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 15 तो रेंज आप अगर पूछता है रेंज निकालने तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 3 हो गया रेंज नाउ अब हम लोग चार्ट बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है उसके लिए चार्ट बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक तो ऑब्जर्वेशन रखेंगे yes, और एक टैली मार्क्स रखेंगे देखिएगा ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस उसके बाद यहाँ पे टैली मार्क्स आप लोग कोशिश कीजिएगा पेंसिल से शुरू में करने का है ना टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो अब देखिए कि यहाँ पे एक है पहला मिनिमम है 12 फिर 13 है फिर 14 है और फिर 15 है फिर 15 है 16 है नहीं तो 13 यहाँ पे एक कट कीजिएगा ठीक है 13 कट किए तो एक डंडा यहाँ पे 13 के सामने फिर यहाँ 14 है तो यहाँ पे एक यहाँ फिर 14 है यहाँ एक यहाँ 12 है तो 12 के सामने एक फिर 15 है तो 15 के सामने एक 15 है तो फिर 15 के सामने एक फिर 14 है तो इसके सामने एक फिर 13 है तो इसके सामने एक फिर 13 है तो इसके सामने एक डंडा लगाइए फिर 14 है तो इसके सामने एक फिर 14 है तो चार एक पांच हो गए तो ऐसे कीजिए फिर 15 है तो इसके सामने एक फिर 13 है इसके सामने एक फिर 14 है तो इसके सामने एक फिर 14 है एक और डंडा यहाँ लग जाएगा 12 है इसके सामने एक 14 है इसके सामने एक 13 है इसके सामने नहीं यहाँ पे ऐसे है ना 12 है तो एक फिर 13 है इसके सामने एक 14 है इसके सामने एक फिर 14 है तो फिर दूसरा कट गया पांच के लिए फिर 13 है तो 13 के लिए यहाँ एक फिर 12 है तो इसके सामने एक फिर 13 है तो उसके सामने एक फिर 12 है तो इसके सामने तिरछा में एक मार दीजिएगा पांच हो गया फिर 13 है तो 13 के सामने यहाँ एक फिर 14 है तो 14 के सामने एक फिर 15 है यहाँ एक फिर 14 है तो फिर इसके सामने एक तो इस तरह से आप काटते जाइएगा और अगर बाय द वे गलती हुआ तो क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं तो यहाँ आ गया फिर 12 का फ्रीक्वेंसी 5 यहाँ 5 और 4 9 और यहाँ 5 10 एंड देन 12 और ये आपका 4 है अब सारा फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ जो होगा तो 9 और 5 14 14 और 2 16 16 और 4 कितना हो गया 20 2 2 और 1 3 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो एजेस है वो आपका कितना है 30 है इसका अगर यहाँ पे 30 आपका आ रहा है इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है ना तो इसको ध्यान रखेंगे और इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगा इस तरह से आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे है ना और कट करते जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर हड़बड़ा के नहीं करेंगे
आराम से इत्मीनान से करके कीजिएगा, तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। ये है आपका फर्स्ट फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का। तो आई थिंक अप टू दिस यू हैव अंडरस्टूड, आप लोग अच्छा से समझे होंगे किसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, डाटा किसको कहते हैं, फिर उसके बाद रेंज किसको कहते हैं, फिर आपका जाकर के रेंज किसको कहते हैं ये हुआ, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसको कैसे बनाया जाता है, फिर आपका ये एक है कि एरे किसको कहते हैं, फिर डिस्कस कर देंगे हम लोग कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो और आप लोग अच्छा मार्क्स लाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। सो थैंक यू, बाय बाय। आप सबों के आशीर्वाद से अगर आप लोग अच्छा से सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़, अभी सब्सक्राइब बहुत कम है, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक वॉच जरूर कीजिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।